सामने मुझे वो दिन आ गया है कि हम आरक्षण देने जाएंगे, लेकिन शाम को 6:30 बज रहे हैं। ये जलील बंदा है जो मेरे पीछे खड़ा हुआ, इतनी लेट आया है, इसकी वजह से सारा टाइम मेरा वेस्ट हुआ है। मैं 4 बजे से रेडी बैठा हुआ था, जुमा बढ़ के हम बैठे हुए थे, हमने कहा चलो, मैं बैठा था, मैं कहा चलो अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, और तब से ये लड़ाई लगा रहा हो, ये अब आया। ठीक, पेमेंट इसको रुकवाई हुई थी कल मैंने, तो मैं लेना भूल गया था, अब ये पेमेंट से पकड़ गया, बल्कि इसको साथ ही लेके चलते हैं आर एक सेट के पास, सारे सेट देखते हैं, उसकी वीडियो शीडियो बनाते हैं, साथ हमें टाइल लेना, टाइल लेंगे आज, इसकी स्टिकरिंग वगैरह जो भी आज इनसे छुट्टी कर लेंगे, जो भी काम शाम है मतलब कि आज ही कराएंगे, कल के दिन में कुछ 2-4 काम डालेंगे, ताकि कल सैटरडे है, काफ़ी देर से हम ट्रैक पर भी नहीं, ड्रिफ्टिंग भी नहीं की, तो हम वो भी कर लें। तो बस चलते हैं, उम्मीद है कि सब कुछ हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ होगा तो मैं वहाँ खड़े होकर करवा लूँगा, इतना कोई मसला नहीं है। इन ड्राइव पे गाड़ी मंगाए, बाइक है, रिक्शा है, जो मर्जी है, मैंने बस मेरे काम में जाना, क्योंकि अपनी सीटिंग लेके जा सकता है, इस पर एतबार नहीं है चलाने का बिल्कुल भी, कि सही चलाता भी है कि नहीं। मेरे फोन की बैटरी बहुत कम है यार, मैं तो बस यूज़ करूँ, चार्ज करना भूल गया था, 50% है, दुआ करो ये ऑफ ना हो जाए कहीं। काम पे लिया है? काम पे लिया? ये सेल के लिए। अच्छा, मैंने कहा शायद ले लिया। ले लिया काम पे? अंदर ले लिया शोरूम में। कोई भी पूछे ना तो यही कहना, मैं इंड्राइव गाड़ी पे आए हैं, क्रोला करवाई थी हमने। नहीं, क्रोला लैंड क्रूजर में आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम इंड्राइव पे आए हैं, लेकिन पैदल इसलिए जा रहे हैं हम, आके हमें ना लोकेशन गलत डाल दी थी हमने दूसरे शोरूम की। ठीक है, यही कहना है, लेवल पर जा रहे हैं। आज अपने रिश्तेदार में से लाजमी मिली, कसम है। ये वाहिद इंसान से कुत्ते भी डरते हैं। ये है, ये भी है यार, ये भी है। अरे कार तो ये क्या हो रहा है? पॉलिश हो रही है, बाकी सारा कुछ हो गया। अच्छा, दिन के टाइम में आप देखिए, अच्छी लग रही है। खोखा खोखा क्या मंगाना? नहीं नहीं बताओ, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं। चला चलें वो तेरे में, ये कितना टाइम लग जाएगा इसको मजीद? आज लेके जानी है। हाँ कि नहीं होनी आज? हो जाएगी, मैंने अभी लेके जानी थी वैसे तो। घंटा ले लो और। हाँ घंटा ले लो। ठीक है, क्या बना फिर, क्या सोचा यार तुमने? जो ना मुझे खराब कर दी, इतनी प्यारी गाड़ी है ये, तो आपकी है? अच्छा हाँ। मेरा सिम देख रहा हूँ यार, ये क्या बनवाया? पास आके देखा तो पेपर लगा हुआ था। ये भी सही है, मैं भी लगाऊंगा यार। वो दरअसल ना मैंने मंगवाए हैं, ऑर्डर किए हैं मैंने AliExpress से। इसके है कुछ? हाँ हाँ प्रॉपर इसके आए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने AliExpress से मंगवाए हैं, दरअसल मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैंने जो मंगवाए हैं ना वो बहुत प्यारे, यहाँ से एयर इनटेक का ना उनकी जगह बनी हुई है। तो ये काटोगे? नहीं नहीं, ऊपर ही लग जाएगा, लेकिन एयर इनटेक यहाँ से नहीं होगा, ऊपर साइड से होगा। आप चेक करवाना था, फोटोशूट होया कोई? वो उस टाइम स्टार्ट हो गया, उस टाइम गाड़ी को सारी पुलिस लगी तो सारी उतारने लगे, और उसके बाद फिर हम इसको घर लेके जाने का भी लोंगे। इसके फ्रंट पे ग्रिल भी लगनी है, अभी इसका स्कॉलर भी लगना है, और बाकी गाड़ी जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये अच्छा लग रहा है, अच्छा काम किया, हाँ ना अच्छे लगे तुम समझते हुए। ये रहा जी इसका स्पॉइलर, जो कि अभी साफ हो रहा है, उसकी शाइन आप लोग चेक करें, बस पैसे पूरे हैं। एक और चीज़ आपको मिल रही है यहाँ पे, वाइपर शील्ड, ये भी फुल पेंट हुई है यार। ये वैसे मेरी गाड़ी के पेंट हुए कि वैसे भी पेंट करते हो आप लोग? ये आपकी गाड़ी का पेंट किया है। अच्छा, तो यार बहुत शुक्रिया, ये लगा के दिखाओ जरा कैसा लग रहा है। कितनी देर बाद आके मैंने सलम मारा और ये फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट स्टार्ट हो गई है। अब जरा से मैं एक लाइट लगा के ये तो ऑन करूँ। मान भाई और अली भाई ना दोनों चेक कर रहे थे, स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी इसके लोगो शो को आपके भाई ने मना कर दिया कि लोगों को पेंट नहीं कराना, क्योंकि पेंट करने लगाने नहीं है, क्योंकि लोगो जो है वो पेंट करना भूल गए थे, तो मैं नहीं चाहता कि छोटी सी चीज़ की वजह से गाड़ी बुरी लगे, इसलिए मैं लोगो छोड़ दिया उनके पास ही, और मैं कल ले लूँगा लोगोस के बगैर। अभी बस वो आगे से फिटिंग कर रहे हैं, उसके वाइपर्स वगैरह हर चीज़ और डिक्की वगैरह हर चीज़ होगी। ये गाड़ी फर्स्ट साल स्टार्ट होगी, क्योंकि पेट्रोल मुझे पता इसके अंदर नहीं, क्योंकि पटाखे मारने लगे, मतलब कि मिस मारी है इससे पहले कि ख़त्म हो जाए। यहाँ पे पंप पे भी पहुँचना है, बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह मालिक है, चलते हैं इंशाल्लाह गाड़ी के ट्राई लेते हैं, अल्लाह नज़र से बचाए सबसे पहले तो आप लोगों ने माशाल्लाह भी कहना है। रोलिंग की वीडियोस कोशिश करेंगे कि हम किसी तरीके से बना लें, किसी के बंदे दोस्त को गाड़ी में बुला के। बहुत फिनिशिंग चल रही है गाड़ी की, मैं सोचा था अंदर सारी साफ सुफ कर दी गाड़ी, लेकिन अभी डिटेल नहीं की, इसके लिए हमें टाइम चाहिए, अंदर स्टिकिंग वगैरह कराने के लिए भी टाइम चाहिए, बाकी एंड्रेक पर गेड़ा करवा लूँ तो आदि ये भी लग गया। ठीक है, और ये फुल चमकने वाला सीन है इसका। अरे बोनट खुला हुआ तो आप लोगों को बनाना नहीं है। ठीक है, ये है हमारा जुगाड़ के हमने हमारा अभी रीमा को हमने पेंट नहीं करवाया था, हमने कहा फिलहाल ये कलम शलम लगा लिया वाला भाई हमारा लगा के दे रहा है भाई, बहुत शुक्रिया आपका।
ठीक है, तो ऐसे ये होगा कि कम से कम नजर नहीं आएगा और रिम साफ साफ लगेगा। बाद में इसका रिम का कोई जुगाड़ लगाते हैं तो चेंज कर लेते हैं या पेंट चेंज करा के खूबसूरत डिजाइन निकाल लेते हैं, लेकिन अभी नहीं, ईद गुजार लें। एक साइड की जाली ये रहेगी बस, उसके बाद ये कलम रहेगा, बाकी सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और ये जाली भी लग गई है। देख ले ये सारे लाइन से खड़े हैं, बारी बारी आधे भी ले लिया, जाने का वक्त आ गया ना मेरे, कोई नहीं मैं कल दोबारा आ जाऊंगा यार, परेशान हूँ लोगों से आपके पास है। भूख से बुरा हाल है, नेक्स्ट टाइम पता है कितनी बारी में खाना खा चुका होता हूँ, मैंने आज नहीं खाया। आज हम गाड़ी का काम करवा रहे थे, काफ़ी लोग में ये मसला है कि मेरी आवाज़ कम आते, माइक ले लो, तो यार देखो अब आवाज़ ठीक है, मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ। वाटरमेलन खा के उसके बाद हम वापस जाएंगे गाड़ी, तब तक इंशाल्लाह हो गया। एक जाली रह गई है और मैं थोड़ा सा कलम लगवा रहा था मैं, ताकि वो सेटमेंट हो जाए। जब आने के लिए हमारे अलावा वेट भरेंगे, आवाज ऐसे बने जुगाड़ के थ्रू ही बढ़ने, क्योंकि उसकी नोजल वगैरह कुछ भी नहीं हमारे पास, ओपन एयर। और पिछले आधे घंटे से हम ट्राई कर रहे हैं, हमसे नहीं भरी जा रही है, अब देखते हैं इनका क्या सीन है। भर के देंगे हमें तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं ना इसके बैक शेकरिंग आगे से ना करूं, मतलब ये वैश्य लुक आ रही है। अच्छा मुझे इतनी वैश्य लग नहीं रहा, बम्पर का बहुत लेवल का एक्यूरेट हुआ हुआ है, वैश्य लुक मुझे नहीं लग रही क्योंकि इसे लाइटर में ब्लैक पेपर लगना है ताकि लाइटर सी कम हो जाए। और उसके अलावा चलो यहाँ पे नहीं लगवाता, लेकिन यहाँ पे तो मैं लाजमी लगवाऊंगा ना स्टिकर, ये थोड़ा अच्छा लगेगा बड़ा बड़ा ब्लैक ब्लैक। और उसके अलावा ये साइड से हवा निकली जा रही है और कीचड़ से हम हो गए हैं, तो सारे टायर्स गंदे हुए हैं। बाकी ओवरऑल लुक आप लोग चेक करें गाड़ी की, तो मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया चमकीली गाड़ी देख के। हम ना बगैर हवा के ना उधर से जेल रोड से ना यहाँ तक लेके आए, मुझे लगा टायर काट गए होंगे, हवा बिल्कुल मन रही, गाड़ी एक साइड बिल्कुल चली गई थी, स्मेल भी बहुत तेज़ आ रही थी गाड़ी के अंदर, मुझे लगता है ये टायर मेरा ज़ाया हो गया। पहली फटीक तो ये डरी आते हुए देखो, अंदर से पता लग गया था गाड़ी का टायर काट गया, लेकिन हर मुश्किल की चीज़ के लाके मैंने एक जुगाड़ रखा होता है, वो जुगाड़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ, दुआ कर बट सही हो जुगाड़। ताड़ा 225 45 18, अब हम ये लगाएगा इंशाल्लाह, ये टायर मुझे सही लग रहा है। टायर की हालत दिखाऊंगा आप लोगों को, हंसी आएगी टायर की हालत देखे जरा, एक मिनट चेक तो करे इसका क्या हाल किया क्या मैंने, ऐसे चला के लाया और मेरा टायर बिल्कुल सही था, मैंने चलाया भी नहीं था, मैंने इसका बेड़ा कर करके ख़त्म ही कर दिया। चलें जो भी होता है कोई बात नहीं, अब दूसरा टायर पर वो लगा लेते हैं, और अभी मैं जाते साथ एक और टायर ले लूँगा, टेंशन नहीं है टायरों की, टायर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने भरे दिए पाकिस्तान में लोगों को। अब बोल दो फिर इतनी नीचे करा लें थोड़ी सी और, लेकिन वो फिर कोई पत्थर भी नहीं गुजर सकता इसके बम्पर से और यहाँ से आगे से भेजोगे जमीन साहब बिछ जाएगी। बिल्कुल नया टायर था आपके भाई का, और इसी आपके भाई की ना अहले की वजह से हुआ है कि मैं रेते पे अड़ा हुआ था, हवा नहीं डलवा रहा था, और ये मैं ऐसे चला के लेके आया हूँ, धुआं छुआने लग गया था, तो अब ये हाल हुआ इसका। मेन बछिंदा आ गया है राणा जी, उर्फ रस राणा, ये बड़ी गाड़ी गंदी होती है, इसका रिजल्ट लगा होगा, देखा क्या करता रिजल्ट लगा होगा राणे का। आजा भाई एसी में आ रहा है, हम गर्मी में तेरा नहीं बंदा एसी में आ रहा है, शर्म हो यार खत्म। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी रीजंस के लिए हम टायर लेके निकले थे,
और वो टायर चढ़ गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि फुल VIP बैठा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि इसकी टायर मोड़ते हुए ये भी एक बात कहूँ कि 45 पर फैला, बाकी सारी 40 हैं, अभी एक साइड ऊपर होगी गाड़ी की, एक बाकी नीचे होंगी, मोड़ते हुए ना लगे, बाकी मैं 40-45 लेने को भी रेडी हूँ। ये गुजर त्यारा बन रहा है, चेक करें। तो वो क्या करेगा, जंबो जंबो चला यार, लगती बड़ी है यार। ये मेरे साथ वही सीन करने लगा जो बाकी के साथ करते, तुम कौन सा वो खत्म कर दिया सिस्टम में, ब्लॉक करो कर दूंगा। और है नो मजाक एक्सेप्ट हादी, हादी के अलावा किसी भी मीम नहीं बनेगी, मुझ पे जरा बन के तो दिखाए। भाई ने हमें दो टायर अरेंज करके दिए हैं, ठीक है, एक मुझे पसंद नहीं है, एक घंटा बाकी मेले बैठे हैं, वो मैं ना लेट हो गया, मैं टायर फाड़ के था अपने ब्लॉग में देख लिया कि टायर का बुरा हाल हो गया था, सर टायर लेट हुआ हूँ मैं, बाकी ये टायर मुझे पसंद नहीं आया, ये मुझे पसंद है लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है, तो जितना बोला मैं उसे 2-3 हज़ार कम दूंगा, टेंशन लेनी आप लोगों ने, आपका भेज देना भाई प्लीज़, ये ब्रिज स्टोन का टायर ही है, चलिए एक्स्ट्रा टायर इसलिए मैं रख रहा हूँ कि अल्लाह ना करे खुदा ना खासा कहीं पर टायर फट जाए तो बंदा चला ले मौके में। यार बाकी ये पागल है, ठीक है, इसकी बात मानो, ये कैम्बर आप चेक करो, हाय हाय क्या मरा है यार, फैट है पीछे भाई, ये नेचुरल कैम्बर आप कह सकते हैं, इन ड्राइव भी जा रहा था मैं अभी, मैंने कहा मिले लेते हैं, आप सारे नहीं खाते यार, मैं नहीं खाता लिटरली, खा लो बाकी नहीं, बैच चल रही है, फुल बैच चल रही है यार इन दोनों की, ना वो टायर दे रहा है, मैं कह रहा है मैंने लेके जाना है, फुल ब्याज चल रही है, हाँ मुकमुका हो गया, ये टायर उठा के गाड़ी में रखा है, इसने भी खोली है डिग्गी, देखो एक टायर की डील हो गई है और बाकी जो टायर है वो अल्लाह देगा, उसको मैंने कहा सस्ते टायर मंगा दे, फुल सस्ते, इतने सस्ते कि मैं कहता हूँ मैं ऐसे 2-2 हज़ार रुपये दूँ टायर आ जाए, ये
पूरा सेफली एंड साउंड एंड फर्स्ट टाइम मेरी कोई गाड़ी पे स्क्रैच लगे बगैर रगड़े बगैर मैं बच जाना चाहता कि फ्लैश लगन दे रहा पूरी लाइट गई हुई यहाँ पे लगे बगैर मैं अपने घर के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया बहुत आराम सुकून से और बड़े महल से तहमुल से लेके आया हूँ मैं जंप पे मैं रुक के पहले मुआयना किया चूड़ा थोड़ा फिर उसके बाद मैं लेके आया हूँ यार माशाल्लाह गाड़ी क्या 10x10 हो गया कोई लैन नहीं है यार गाड़ी पे पेंट बड़ा लेवल का और आप लोगों को इसकी कॉस्ट भी जाननी है पेंट की तो मैं आपको बताता हूँ अली भाई ने मुझे 1.5 लाख का एस्टिमेट बना के दिया था जिसमें से हमारे तलुकात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हमारे भरे भरे भाई हैं अली भाई तो उन्होंने मुझे फाइनली जो हमारा डन हुआ था वो 1 लाख में हुआ था पेंट भी उनका सब कुछ उनका सारा कुछ उन्होंने हमें करके दिया उनके ही जानने वाले से लिया था उन्होंने उनके सामने से मेरे सामने सारा कुछ हुआ तो माशाल्लाह गाड़ी के नज़र भी आ रहा है और ये बूथ वाला मशीन या जो भी आप लोगों ने कहना है वो वाला पेंट इसमें कोई पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है मतलब रेजा रेजा नहीं है आप हाल लगोगे आराम से मुलायम से हाथ नीचे आ जाएगा और इतना जेंगो का पेंट है और यार आप इसे गलत बात कर रहे हैं ना यार ये देखें ये पास नजर आ रहे हैं आपको ये दिन के टाइम आप लोग कभी मेरी गाड़ी देखोगे ना तो आप लोगों के ना पैसे पूरे होंगे अभी फिलहाल घर चलते हैं फिर नीचे आते हैं फिर कोई हिसाब लगाते हैं सिटी लेके आते हैं इधर नीचे खड़ी करते हैं या बाहर चलते हैं कुछ एक काम तो करें आज के दिन आपको मैंने सुबह से लेकर अब तक कुछ भी नहीं खाया लाइक कुछ भी नहीं खाया हमने और आज सिर्फ काम किया है